अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई मायसेल्फ शेख सुमैया ऑन बिहाफ ऑफ SDMES बॉयज इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल विल टीच यू टुडे फ्रॉम चेरी बुक स्टैंडर्ड सेकंड आवर चैप्टर नंबर 2 द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स ऑफ EVS सब्जेक्ट। पहले वीडियो में हम लोगों ने उसका एक्सप्लेनेशन देखा था। सेकेंड वीडियो में हमने एक्सरसाइज देखी थी जिसमें हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग किए थे। नाउ तीसरे वीडियो में, ये सेकेंड चैप्टर का तीसरा वीडियो है जिसमें हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देखेंगे और क्लासिफाई द फॉलोइंग करेंगे। वो एक एक्टिविटी है जो वर्कबुक में नहीं है, पर वो हम अलग से करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टडीज। पेज नंबर 156, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस ईच। ये पेज नंबर 156 का जो क्वेश्चन आंसर्स है ये हमको नोटबुक में लिखने हैं। राइट इट विद गुड हैंड राइटिंग। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, और उसके साथ उसका जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दो ताकि आपको हमारे आने वाले हर नोटिफिकेशन की खबर मिलती रहे। और वीडियो देखने के बाद उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस ईच। क्वेश्चन नंबर 1, आर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एनिमल्स। क्या बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स भी एनिमल्स हैं? आंसर नंबर 1, यस, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर एनिमल्स। जी हाँ, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स भी एनिमल्स ही है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम टू एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। किसी भी दो एनिमल्स के नाम बताओ जो पानी में रहते हैं। आंसर नंबर 2, सम एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर फिश एंड ऑक्टोपस। वैसे तो बहुत से एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, आप चाहो तो उनके भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने दो नेम लिखे हैं, फिश एंड ऑक्टोपस। क्वेश्चन नंबर 3, वॉट हेल्प्स बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स को कौन सी चीज़ें फ्लाई करने में मदद करती है? आंसर 3, विंग्स, फेदर्स एंड अ टेल हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। विंग्स यानी उनके जो पर होते हैं वो, फेदर्स यानी उनके पर के ऊपर जो फेदर्स होते हैं, एंड अ टेल वो उनको उड़ने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। कुछ एनिमल्स के नाम लिखो जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि कौन कौन से एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, फिर भी मैंने यहाँ 4 नाम लिखे हैं। आपको कोई दूसरे नाम भी लिखने हो तो लिख सकते हो। आंसर नंबर 4, सम एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर डियर, काउ, गोट एंड हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 5, डू वुड पैकर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। यहाँ क्या पूछा है कि क्या वुड पैकर्स प्लांट्स और फ्लैश दोनों चीज़ खाते हैं? ये देखो, यहाँ पर ये वुड पैकर का पिक्चर है, ये वुड पैकर है। तो आंसर क्या आएगा? यस, वुड पैकर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। यानी हाँ, वुड पैकर्स प्लांट्स भी खाता है और फ्लैश भी खाता है। नाउ द एक्टिविटी, ये एक्टिविटी जो है उसके लिए मैंने आपको एक अलग से भी वीडियो भेजा है या इसके बाद भेज दूंगी, जिसमें आपको वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स का डिफरेंस भी पता चलेगा। और यहाँ भी मैं आपको बता रही हूँ, जो नाम मैंने यहाँ दिए हैं उसको आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाइल्ड एनिमल्स है और कौन सा डोमेस्टिक एनिमल्स है। सेकेंड में मैंने पूछा है ये जो नाम है इसमें से आपको बताने हैं कि प्लांट ईटिंग एनिमल कौन सा है और फ्लैश ईटिंग एनिमल कौन सा है। बच्चों, इसमें आपको कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स ये दो अलग चीज़ है, और प्लांट ईटिंग एनिमल्स और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी अलग चीज़ है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि जो जंगल में रहने वाले एनिमल्स हो वो सभी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हो। बराबर, जो जंगल में रहते हैं वो भी प्लांट्स खाते हैं, ओनली प्लांट्स खाते हैं। बराबर, तो यहाँ पर हमको वही डिफरेंस बताना है, लाइक लायन, काउ, डियर, बेयर, हॉर्स एंड गोट। अब इसमें आपको फर्स्ट में पूछा है कि ये सब जो नाम दिए हैं इसमें से वाइल्ड एनिमल्स कौन सा है और डोमेस्टिक कौन सा है। तो हम पहले से शुरू करेंगे, लायन। लायन जंगल में रहता है, राइट, तो हम उसको वाइल्ड एनिमल्स बोलेंगे।
यानी जो जंगल में रहते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स, और जिनको हम घर के आसपास देखते हैं या जिनको हम पाल सकते हैं वो डोमेस्टिक होते हैं। तो लायन लिव्स इन जंगल, तो वो वाइल्ड एनिमल्स के ब्लॉक में आएगा। देन काउ, काउ को हम पाल सकते हैं तो वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। डियर, डियर जंगल में रहता है तो वाइल्ड एनिमल। बेयर, वो भी जंगल में रहता है तो वाइल्ड एनिमल। हॉर्स, हॉर्स डोमेस्टिक एनिमल है जिनको हम पाल सकते हैं। गोट को भी हम पाल सकते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स को हम पेट एनिमल्स भी कहते हैं, तो गोट भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। क्लियर बेटा, ये वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स समझ में आ गया। नाउ आपको लिखना है कि प्लांट ईटिंग एनिमल कौन सा है और फ्लैश ईटिंग एनिमल कौन सा है, यानी कि जो प्लांट्स सिर्फ खाते हैं उनको ये ब्लॉक में लिखेंगे और जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं उनको ये ब्लॉक में लिखेंगे। यहाँ आपको ये नाम दिए हुए हैं, इसमें से आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ज़ीब्रा, ज़ीब्रा सिर्फ प्लांट्स खाता है, भले ही वो जंगल में रहता है, वो वाइल्ड एनिमल है पर वो सिर्फ प्लांट खाता है, तो उसको हम फर्स्ट वाले ब्लॉक में लिखेंगे जिस पर लिखा है प्लांट ईटिंग एनिमल्स। तो ज़ीब्रा प्लांट ईटिंग एनिमल्स है। देन कैमल, कैमल भी प्लांट ईटिंग एनिमल है। टाइगर, टाइगर जंगल में भी रहता है और फ्लैश भी खाता है, तो उसको हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के ब्लॉक में लिखेंगे। देन एलिफेंट, एलिफेंट भले ही जंगल में रहता हो पर वो सिर्फ प्लांट्स खाता है, तो उसको हम लिखेंगे प्लांट ईटिंग एनिमल्स के ब्लॉक में। ओके, एलिफेंट। नाउ वुल्फ, वुल्फ फ्लैश खाता है, तो यहाँ पर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स वाले में। एंड ईगल, ईगल भी फ्लैश खाती है, तो उसको भी हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स की जगह पर लिखेंगे। आई होप ये डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं और प्लांट ईटिंग एनिमल्स एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कौन से होते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। ऑल राइट चिल्ड्रन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।